नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज के सेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ लगातार हमें कुछ टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं। हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। आप सब प्लीज आज के सेशन में बने रहिए। मैं तब तक, जब तक बाकी रेस्पेक्टेड टीचर्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी। आप सबके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है उस गूगल फॉर्म को ओपन करके जरूर फिल करके अपनी अटेंडेंस मार्क करें। गूगल फॉर्म को फिल करना कंपलसरी है, तो आप प्लीज एक गूगल फॉर्म को चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके अपनी अटेंडेंस को मार्क जरूर कीजिएगा। और एक बार अगर हो जाए अटेंडेंस मार्क, तो एक बार डन में भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा चैट बॉक्स के थ्रू। और हम कुछ ही मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप सब चेक कर सकते हैं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, प्लीज इस फॉर्म को ओपन करके अपने अटेंडेंस को जरूर मार्क करें, फॉर्म को फिल जरूर करें, ये कंपलसरी है, जिससे कि करेक्टली हम आपके अटेंडेंस को मार्क कर सकें। तो प्लीज गूगल फॉर्म को फिल करके एक बार डन में रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा चैट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू। मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगी अपने अटेंडेंस को गूगल फॉर्म को फिल करते हुए जरूर मार्क करें। तो गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसे फिल कीजिए। एंड एक बार अगर आप फिल कर ले तो डन में जरूर चैट बॉक्स के माध्यम से रिस्पॉन्स कीजिए, जिससे इंफॉर्मेशन हम तक पहुँच सके। मैडम कहाँ डन करना है? आई हैव कंप्लीटेड सर, चैट बॉक्स के थ्रू आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने फिल कर दिया, अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राधा मैम, शौर्य सर, रॉबिन सर, परवेश सर, थैंक यू सो मच। आप सबने गूगल फॉर्म के थ्रू अपने अटेंडेंस मार्क की। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है वो भी जरूर करें।
थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स कि आप सबने गूगल फॉर्म को फिल किया. जिन्होंने नहीं किया है तो मैं उन सबको भी बताना चाहूँगी, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, आप उसको जरूर फिल करें, उसके थ्रू अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क करें. तो आइए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं. तो रिस्पेक्टेड टीचर, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को ज्वाइन किया. आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बेहतर रूप से डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन पर कार्य कर रही है, हम किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अब टीचर्स का क्या रोल होगा, इवन आज आप एज अ कोऑर्डिनेटर अपने स्कूल से चुने गए हैं तो आप सबका क्या रोल होगा, किस प्रकार से आपको इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, इन सब पर आज हमारे एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे. परंतु इससे डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच रिस्पेक्टेड किरण शर्मा मैम मौजूद है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है जबलपुर रीजन की. तो मैं मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और अपने महत्वपूर्ण शब्दों से हमें मोटिवेट करें. ओवर टू यू मैम. थैंक यू पूजा. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Respected resource persons from Sri Aurobindo Society and dear teachers who are the coordinators for Project Inclusion, a very good morning to all of you. We could see the first slide on this screen, Project Inclusion, bringing inclusivity to classroom across India. So, इस केंद्रीय विद्यालय संगठन इज ऑलरेडी अ पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड क्वालिटी क्वांटिटी इंक्लूसिवनेस ऑल आर आवर फीचर्स. वी ऑलवेज यूज टू इंश्योर क्वालिटी क्वांटिटी एंड इंक्लूसिवनेस एंड दिस रूपांतर प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी हैज द सिमिलर विजन. टुडे वी हैव ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ Project Inclusion under the flagship of Rupantar. The aim of the program is to create entire ecosystem in which all types of students who are, we can say, who has diverse needs can be respected, can be supported, and can be acknowledged. So a true social change can be brought. तो ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन इसी के लिए है. तो जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं जबलपुर रीजन से, आई रिक्वेस्ट देम प्लीज अटेंड द प्रोग्राम विद द फुल स्पिरिट एंड वी विल फॉलो द ऑल द सजेशंस एंड सपोर्ट फ्रॉम द श्री अरबिंदो सोसाइटी. और आई होप दिस सेशन विल बी वेरी और हम अच्छे से कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रोग्राम को डेफिनेटली. तो श्री अरबिंदो सोसाइटी को पूरे जबलपुर रीजन की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे और आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है या ऑरल स्कॉलर है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके प्रोग्राम है, वो डेफिनेटली हमें हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल होंगे. तो थैंक यू एवरीवन और थैंक यू मैम. थैंक यू. सो प्लीज कैरी ऑन, सेशन शुरुआत करते हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच किरण मैम आपके इनकरेज वर्ड्स के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए. थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए. तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे बीच डॉक्टर सिमी महाजन मैम मौजूद है जो कि चीफ प्रोग्राम ऑफिसर है ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन. मैम मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप भी हमें मोटिवेट करें अपने वैल्यूबल वर्ड्स से. ओवर टू यू मैम. थैंक यू पूजा. एंड अगेन मैं डॉक्टर सिमी महाजन श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे उपस्थित जो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम है किरण जी और जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. और मैडम बधाई की पात्र हैं, ये बहुत ही प्राउड
मोमेंट होना चाहिए जबलपुर रीजन के लिए, क्योंकि मैडम इज द ओनली असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने प्रोजेक्ट इंक्लूजन का कोर्स स्वयं भी किया है. सो वी हैव मैडम, इनफैक्ट वी हैव सेंड योर नेम टू द हेडक्वार्टर्स ऑल्सो, बिकॉज दैट इज द लीडरशिप पीपल आर लुकिंग फॉर. कि हम सिर्फ सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे जब मैडम ने खुद से उस प्रोग्राम को किया है तो उनसे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है. कि देन डेफिनेटली एंड देन शी वॉन्ट्स कि ये प्रोग्राम हमारे पूरे जबलपुर में हो, तो कोई रीज़न ही नहीं रह जाता कि हमें नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो धन्यवाद मैम इस तरीके से प्रोग्राम को इतना सपोर्ट करने के लिए और इम्पोर्टेंस देने के लिए. और सो जैसे मैडम ने भी बोला और अपना अपना जो उन्होंने शेयर भी किया एक्सपीरियंस कि कैसे प्रोजेक्ट इंक्लूजन में क्या और कैसे बेनिफिट होगा, और जैसे पूरा रूपांतर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो बहुत ही फोकस हैं कि हमें अगर शिक्षा में चेंज लाना है. देखिए सुधार तो नियति है, सुधार ऐसा नहीं है कि सुधार हमेशा रहेगा. आज है, अगले 10 सालों में और चीजें चेंज हो गई, समय होगा, फिर हमें सुधार चाहिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुधार का मतलब कहीं पे ये मतलब नहीं है कि हम पहले काम खराब कर रहे थे. नहीं, शिक्षा में कुछ क्षेत्र में निरंतर सुधार की इसलिए आवश्यकता है बिकॉज जो सृष्टि है हमारा, जो दुनिया है, वो बहुत ही हर मिनट पे चेंज हो रही है, बदल रही है. और जो शिक्षा का एक जो रोल है एक एजुकेशन का, वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. वो व्यक्तित्व को बनाता है बच्चे के. तो इसलिए उसमें अब तक जो जो रिसोर्सेज हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनमें अगर वो अपनी सोच में अपने तरीकों में चेंज नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली हम समय के साथ हमारे जो नई जनरेशन है उस तरीके से हम उनको तैयार नहीं कर पाएंगे. तो पूरा जो प्रोग्राम का जो पर्पस है रूपांतर का, वो यही है कि समय के हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब नहीं आई है और वो बहुत सारा चेंज मांग रही है, हर लेवल पे मांग रही है, तो हम सबको उस हिसाब से बहुत ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है और अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट करना है होल हार्टेडली और उस चेंज में को लाना है. और रूपांतर का रोल ये है कि आपको उस चेंज में लाने में हम आपकी पूरी तरह से आपको मदद कर सकें, सपोर्ट कर सकें, सो दैट ये जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा आसान हो सके और आप आराम से कर पाए. क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि एक जो शिक्षक है, एक टीचर है, उसकी जो उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं. एंड इसमें कहीं शक की बात ही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास समय है तो बस आपको कुछ भी करा दिया जाए, नहीं. लेकिन ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि रूपांतर के जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर आप पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आने वाले समय में आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, आपका जो काम है वो कम होगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप खुद से फील करेंगे कि हमने जो जो एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है आज आप उसके उस सोर्स पे हैं. और यही आशा करती हूँ कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कंट्री में पहली बार लेके आए हैं, नई सोच के साथ लेकर आए हैं. प्रॉब्लम को हमने ग्राउंड पे समझा है कि पूरे देश में परेशानी क्या है और आज आर उसके लिए बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आए हैं. लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो सहभागिता, आपका जो हमारे साथ पार्टिसिपेशन है वो बना रहेगा. और कोऑर्डिनेटर्स का मतलब यही है कि आप स्वयं पहले अच्छी तरह से समझे प्रोग्राम को, खुद से कन्विंस हो कि ये प्रोग्राम जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप ही इस प्रोग्राम के मार्गदर्शक होंगे अपने रीजन में जहाँ पे आप हो, टीचर्स को ये प्रोग्राम औरों तक लेकर जाएंगे. तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सिर्फ यही कहूँगी कि मैं यहीं पे हूँ, सेशन के अंदर ही हूँ. आप जो हमारे रिसोर्स हैं पूरी तरह से प्रोग्राम को सुने, अच्छी तरह से सुने. अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट की बाधा नहीं है, अगर आप अपने वीडियो ज़ोन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. उससे कम से कम ये रहता है कि हम सब कनेक्टेड हैं. जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव ये होता है कि वो कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं लोगों के लिए. तो अगर आप कर सकते हैं तो आसान रहेगा, आप अपने वीडियोज ऑन करें, ध्यान से प्रोग्राम को सुने और अंत पे क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेरीज हैं उनमें बिल्कुल भी हिचके मत,
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेगा जिससे पूरी तरह से क्लियर हो, और पूरा प्रोग्राम में हम प्रोग्राम भी बताएंगे और आपको अपने स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करना उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगेन मैं जबलपुर रीजन का धन्यवाद करना चाहती हूँ हमें मौका देने के लिए, डीसी डिप्टी कमिश्नर जबलपुर उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं, और किरण मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ उनके उनके पार्टिसिपेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम हमें मोटिवेट करने के लिए और हमें इतना एनकरेज करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आप सबके बीच इनवाइट करना चाहूँगी हमारे प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से हमारी एक्सपर्ट राजवी मैम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम मैं चाहूंगी कि आज के सेशन को आप स्टार्ट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी। वेरी वार्म वेलकम आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसे कि मैम ने और सभी ने आज कहा, हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे क्लासरूम्स में इंक्लूसिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे बच्चों को हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ की तरफ काम कर सकेंगे। और साथ ही साथ इस पूरे जर्नी में आप सभी एज कोऑर्डिनेटर्स कैसे अपना रोल निभाएंगे, हम उसके बारे में भी आज कुछ चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ आंकड़ों के साथ, कुछ नंबर्स के साथ। तो अगर हम भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में उसे देखें, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 2011 जो आंकड़ा निकल कर आया था ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, जिन्हें हम डिसेबल कैटेगरी में मान सकते हैं, वो नंबर था 26.8 मिलियन। एंड फिर उसी में अगर हम यूनेस्को के रिपोर्ट को देखें 2019 में, जो यूनेस्को ने रिपोर्ट जारी की थी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया जो 19 साल से कम के है, जिस पॉपुलेशन के साथ हम रोजाना डील करते हैं, वो नंबर है 7.8 मिलियन। तो दिस वॉज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया। अभी अगर हम स्पेसिफिक्स में जाए, वन बाय वन जो डिसऑर्डर्स डिसेबिलिटीज होती है उन्हें देखें, तो SLD की अगर हम बात करते हैं कि भारत में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, तो नियरली 1 in 12 चिल्ड्रन इन इंडिया, 12 में से एक बच्चा माना जाता है उसे SLD है। और अगर हम NDD की बात करें, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसे और भी कहीं डिसऑर्डर्स आते हैं, तो कहते हैं अबाउट 1/5 ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव 2 or more NDDs। और साथ ही साथ अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करें, तो माना जाता है दैट अराउंड 1.7 टू 2 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर ऑन द स्पेक्ट्रम। 1.7 टू 2 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्या आप सभी देख सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है? और जब हम देखें दैट इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा की प्राप्ति होती है, जिन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन मिलता है, तो जो 5 साल के बच्चे हैं अमंग 5 year olds, लगभग 3/4 ऐसे हैं जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाता। एंड जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करें जो 5 to 19 years के बीच में है, तो अराउंड 1/4 ऐसे हैं जो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते। तो आप सभी देख सकते हैं जो बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम बहुत ही बेसिक राइट मानते हैं, हम चाहते हैं दैट हमारे देश का हर बच्चा एटलीस्ट एजुकेशन की प्राप्ति कर पाए, ये हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या स्पेशल नीड्स नहीं कर पाते। लेकिन आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने तो नहीं एकत्रित हुए हैं, यहाँ हम इसीलिए तो गैदर नहीं हुए हैं, हम इसके कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस बारे में भी डिस्कस करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो गवर्नमेंट ने NEP द्वारा भी हमें सजेस्ट किया है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इंक्लूसिव एजुकेशन को मान्यता देता है। वो कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा जरिया है जहाँ हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर साथ में पढ़ सकते हैं, उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राप्ति होती है, जैसे कि रिसोर्सेज आप सभी टीचर्स के जरिए, उन्हें भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने का एक मौका मिलता है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस
जो एनईपी ने भी इंप्लीमेंट किया है, एंडोर्स किया है. उसी के साथ जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसने भी डिसेबिलिटीज के स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन किया है. तो पहले जिन 7 डिसेबिलिटीज को मानते थे, हम आज 21 डिसेबिलिटीज को मानते हैं. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी है. तो आप सभी देख सकते हैं दैट एक नेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी ये सारे चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उन्हें हम बेहतर तरीके से क्लासरूम में इंक्लूड कर पाए और इंटीग्रेट कर पाए. इन सब पॉलिसीज के साथ साथ, इन सब रिफॉर्म्स के साथ साथ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल हो, ताकि हम इन बच्चों को बेहतर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम उनके ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकें. तो वो कौन सी चीज़ें हैं, हम वो भी देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है. तो सबसे पहले तो ज़रूरी है दैट टीचर और स्पेशल एजुकेटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनी रहे, क्योंकि जब तक टीचर्स अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं करेगी, उन साइंस और सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगी, वो देखेंगी नहीं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शायद ये बच्चा दर्शा रहा है, कौन से सिम्टम्स दर्शा रहा है, तब तक वो आगे चलकर उस स्पेशल एजुकेटर तक उस चीज़ों को नहीं पहुँचा पाएगी. तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक टीचर और एक स्पेशल एजुकेटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना रहे. उसी के साथ साथ एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का मौजूद होना भी ज़रूरी है. हम सब जानते हैं दैट हमारे देश में सभी स्कूल्स में एक स्पेशल एजुकेटर, एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर उपलब्ध नहीं है. तो इसीलिए एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इन बच्चों के साथ काम कर पाए, उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए. उसी के साथ साथ सपोर्टिंग टीचर्स, जो इन बच्चों को क्लासरूम में कैसे इंक्लूड करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, उन्हें कैसे वो बेहतर तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, इसकी जानकारी इन टीचर्स तक हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि हमारा जो देश है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ एवरी कॉर्नर में जो टीचर बैठा है वो इस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए. और मल्टीलिंगुअल टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, ताकि इन सारी इंफॉर्मेशन को वो अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सेस कर पाए. Because we live in a country जहाँ in every few kilometers the language changes. तो इसीलिए जब तक वो information, वो resource उस teacher तक अपनी भाषा में नहीं पहुँचेगा, तब तक वो teacher उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा और आगे बच्चों तक भी नहीं पहुँचा पाएगा. तो इसीलिए multilingual technology का होना बहुत ज़रूरी है. State government engagement, ये जो reforms लाए जा रहे हैं एक national level पर, तो ज़रूरी है कि हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी हो, जो राज्य सरकार है वो भी अवेयर रहे, ताकि हमें आसानी रहे कि हम इन बच्चों के लिए और काम कर पाए. प्रोफेशनल कोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे फील्ड में रोज़ाना देर इज़ सम न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चलती है कि शायद हम इस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम शायद ये अप्रोच अपना सकते हैं. तो टीचर्स का इन अपस्किल रहना या फिर इन कोर्सेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बच्चों की मदद कर पाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पेरेंटल पार्टिसिपेशन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर बच्चा कहीं बिताता है स्कूल के बाद तो वो अपना घर है. तो इसलिए पेरेंटल पार्टिसिपेशन का होना, पेरेंटल अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम मानते हैं कि इम्पोर्टेंट है जब हम हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि अगर ये बेसिक सपोर्ट टीचर्स तक पहुंच पाए या फिर बच्चों तक पहुंच पाए, तो हम आगे उनकी ग्रोथ की तरफ काम कर पाते हैं. और हम कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें टीचर्स तक पहुँचा पाए. तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूँ, तो हमारी शुरुआत 2016 में हुई थी. हमने जब शुरुआत की थी, हम सिर्फ गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते थे, और फिर धीरे धीरे हमने हमारा कार्य 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तक पहुंचाया था. शुरुआत में हम सिर्फ 4 दिन की ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे. तो यहाँ टीचर्स आते थे, हम उन्हें सेंसिटाइज करते थे, ओरिएंट करते थे डिसेबिलिटीज के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में. लेकिन ये ट्रेनिंग्स करने से पहले ऐसे बहुत सारे टीचर्स थे जो आकर कहते थे कि मैम, हमारे क्लासरूम में ऐसा कोई स्टूडेंट तो है ही नहीं जिसे ऐसी कोई डिफिकल्टी है, जिसे ऐसी कोई डिसेबिलिटी है. देयर इज़ नोबडी एज सच इन आवर क्लासरूम.
लेकिन जब इन्हीं 20,000 प्लस टीचर्स को ओरिएंट किया गया, सेंसिटाइज किया गया, उन्हें जानकारी दी गई इन सारी डिसेबिलिटीज के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, तो इन्हीं 20,000 प्लस टीचर्स ने अपने ही क्लासरूम्स में से 18,000 से भी ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस पहचान करके निकाले। एंड जब हमारे टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेशनल्स ने ऑन ग्राउंड जाकर असेसमेंट्स कंडक्ट किए, तो उन्होंने 6,000 से ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस कन्फर्म किए। तो आप देख सकते हैं कि जब सेम टीचर्स को इंफॉर्मेशन दी गई, सेंसिटाइज किया गया, ओरिएंट किया गया, उन्हें अवेयर किया गया, तो यही टीचर्स थे जिन्होंने अपने क्लासरूम में से ये बच्चों को ढूंढ कर निकाला। तो व्हाट इज नेसेसरी इज सेंसिटाइजेशन, जो ज़रूरी चीज़ है वो है टीचर्स तक इंफॉर्मेशन तक पहुँचना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, या फिर हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, या फिर हमें कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स के बारे में अवेयर रहना है। तो व्हाट इज़ नेसेसरी इज सेंसिटाइजेशन। और इसीलिए जब हमने देखा कि ये जो काम है जो हम कर रहे हैं, ये शायद हमें बहुत बड़े लेवल पर करना ज़रूरी है, जितने टीचर्स तक हम पहुँच रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा तक पहुँचना ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने 2020 में डिसाइड किया कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक डिजिटल मीडियम में ले जाएंगे। और तभी जब कोरोना वायरस COVID-19 पैंडेमिक भी आया था, तो ज़रूरी था कि हमें एक ऐसा जरिया ढूंढे ताकि टीचर्स आसानी से अपने घर पर बैठकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकें, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कंप्लीट कर सकें। और जब टीचर्स इन ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स के लिए आते थे, उन्हें अपने क्लासेस रीशेड्यूल करने पड़ते थे, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ता था, और जब ये पूरा कोर्स एक डिजिटल मीडियम पर हो गया, तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से इस कोर्स को एक्सेस कर पाते थे। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूशन की बात करूं, तो इसे तीन हिस्सों में, तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हमारा फेज है वो सेंसिटाइजेशन पर आधारित है। तो यहाँ टीचर्स को अवेयर किया जाता है, सेंसिटाइज किया जाता है जो डिसेबिलिटीज होती है उसके बारे में, साइंस और सिम्टम्स के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। हम हर एक फेज़ के बारे में ब्रीफली आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इस फेज में जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैं आगे भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो फेज़ वन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसे हम यूज़ करते हैं फेज़ टू में, स्क्रीनिंग में, जो कि स्क्रीनिंग जो है वो जाँच और परामर्श हम जिसे कहते हैं, ये पूरा फेज़ आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है। यहाँ हम बता पाते हैं बेहतर तरीके से कि बच्चे को कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है और वो स्पेसिफिक कंसर्न क्या है। और एक बार हमने उस स्पेसिफिक कंसर्न को ढूंढ निकाला, तो हम आगे बढ़ते हैं फेज़ थ्री में, जहाँ अभी उसी कंसर्न पर टीचर्स को स्ट्रैटेजीज मिलते हैं, इंटरवेंशन प्लान मिलता है, ताकि टीचर्स को पता चले कि अभी ये जो प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है, जिसे हमने हाईलाइट किया है, जिसे हमने ढूंढ निकाला है, तो उस पर हम आगे क्या कर सकते हैं, उस बच्चे की मदद हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप इन तीन फेजेस को डिज़ाइन किया गया है, ताकि टीचर्स तक मैक्सिमम सपोर्ट पहुंचाया जा सके, राइट फ्रॉम गिविंग देम इंफॉर्मेशन टू हेल्पिंग देम इन आइडेंटिफिकेशन, और फिर आगे चलकर बच्चों के साथ भी कैसे काम करना है, ये सारी जानकारी हम कोशिश करते हैं कि इस ऐप के द्वारा हम टीचर्स तक पहुँचा पाए। और इसीलिए हमें एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें जरिया ढूंढना था ताकि टीचर्स आसानी से इस कोर्स को एक्सेस कर सके, और इसीलिए ये पूरा कोर्स जो है, आगे चलकर जो स्क्रीनिंग और इंटरवेंशन भी है, ये पूरी तरीके से निशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर्स अवेल कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। तो आगे हम बात करते हैं वन बाय वन इन सारे फेजेस के बारे में, कि एग्जैक्टली इन फेजेस के द्वारा किस तरीके से टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड हम करते हैं और किस तरीके से टीचर्स तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ है, जो कि सेंसिटाइजेशन पर आधारित है, तो इस फेज में हमारा कोर्स है, इस कोर्स का नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इस कोर्स में 17 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल में लगभग 3 से 4 वीडियोज़ हैं। काफ़ी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है ये, इसका एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ही समय में आगे भी दिखाऊँगी। और जो कोर्स कंटेंट है, तो इस कोर्स के द्वारा हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टीचर्स तक शेयर करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम बताते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं,
फिर जो डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी टीचर्स तक पहुँचाते हैं ताकि टीचर्स इन सभी चीज़ों के साइंस और सिम्टम्स को समझ सकें। हमारे जो सारे मॉड्यूल्स हैं ये एक ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट पर आधारित हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हर मॉड्यूल्स में देर आर वीडियोज दैट आर प्रेजेंट और उसके साथ साथ रीडिंग मटीरियल भी उपलब्ध है, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जिन्हें शायद रीडिंग मटीरियल पसंद आए तो वो रीडिंग मटीरियल भी एक्सेस कर सकते हैं इन वीडियोस के साथ साथ। तो ये सारा मटीरियल एक ऑडियो विजुअल कंटेंट पर आधारित है और ये मल्टीलिंगुअल है। हम चाहते थे कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन लर्निंग, लर्निंग में भाषा एक बाधा ना बने। तो इसीलिए आज भी हमारा कोर्स 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे और भी लैंग्वेजेस में टीचर्स तक पहुंचा सकें। तो इसीलिए ये सारा मटेरियल मल्टीलिंगुअल है, ऑडियो विजुअल कंटेंट पर आधारित है और आसानी से टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ एवरी मॉड्यूल टीचर्स को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और कोर्स के कम्प्लीशन के बाद भी टीचर्स को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इन सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी, मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगी आपको इन सर्टिफिकेट्स के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स की तरफ कि कैसे आप सभी को जो हमारा कोर्स है वो ऐप पर दिखेगा और कैसे आप सभी उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार आप सभी ने ऐप को डाउनलोड कर लिया, ऐप पर रजिस्टर कर लिया, तो आपको जो सारे कोर्सेस हैं वो इस प्रकार से दिखने लगेंगे। और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप सभी सबसे पहले जो हमारा पहला कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 उसे कंप्लीट करें। तो जैसे ही आप लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे। एक बार आप सभी ने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप आगे चलकर बच्चों की स्क्रीनिंग कर पाएंगे और उनकी जो डिफ़िकल्टीज है उसे भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इस कोर्स के साथ साथ एडिशनल कोर्सेज भी हैं जो कि ऐप के द्वारा आप सभी से उपलब्ध आप सभी तक पहुंचाए जाएंगे और ये सभी कोर्सेज आप सभी तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपने बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली होंगी। इनमें कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज शेयर की गई है जो आप बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आप सबसे जो हमारा कोर्स है उसमें जो वीडियोस है उसका एक सैम्पल दिखाऊंगी। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और इसके बाद मैं आप सबसे दोबारा जुड़ती हूँ। अंडरस्टैंडिंग द डिसऑर्डर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old, and this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that
A supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. जी टीचर्स, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियोस हमारे हर मॉड्यूल के चैप्टर्स के द्वारा आप सभी से शेयर किए जाते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वीडियोस हैं, 2 से 4 मिनट के ही है, ताकि टीचर्स आसानी से जो पूरा कंटेंट है उसे समझ सके, बेसिक्स को समझ सके, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराने में. अंडरस्टैंडिंग जैसे कि मैं कह रही थी कि हर मॉड्यूल में रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है, बिकॉज आई रियलाइज कि हम में से ऐसे कुछ है जो जिन्हें पढ़ना बहुत पसंद है हमारे फ्री टाइम में या फिर ऑन आवर वे टू वर्क, तो इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए हमने रीडिंग मटेरियल भी हर चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया है, ताकि टीचर्स आसानी से इस इंफॉर्मेशन को समझ सकें. और हमने कोशिश की है कि ये जो रीडिंग मटेरियल है या फिर ये जो वीडियोज भी है इन्हें हम बहुत ही आसान भाषा में रखें, ताकि टीचर्स ईजिली अपने फ्री टाइम में इसे एक्सेस कर सकें और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकें. तो अगर रोज़ाना भी टीचर्स अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स भी ये कोर्स करें, तो वो 8 से 10 दिन में इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसीलिए टीचर्स अगर कोशिश करें इस कोर्स को जल्द से जल्द कम्प्लीट करें, तो तभी वो आगे चलकर बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर पाएंगे और इंटरवेंशन की तरफ भी बढ़ पाएंगे. तो हमें जरिया ढूंढना था जिससे हम ये जो एफर्ट्स टीचर्स ले रहे हैं क्लासरूम्स में हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उसे हम एक्नॉलेज कर पाए. तो इसीलिए हर मॉड्यूल के कंप्लीशन के बाद एक शॉर्ट मॉड्यूल असेसमेंट होता है, और जिन टीचर्स को उन पर 50% स्कोर मिलता है उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है. तो जो मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह से आप सभी ऐप के द्वारा ही अपने फोन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं. पूरे कोर्स के कंप्लीशन के बाद एक फाइनल असेसमेंट होता है, और जिन टीचर्स को उस फाइनल असेसमेंट पर 60-75% के बीच मिलता है उन्हें एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है. और वो टीचर्स जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए होते हैं अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों के लिए और जिन्हें 75% से भी ज़्यादा मिलता है इस फाइनल असेसमेंट में, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिलता है. तो जैसे कि मैंने कहा था, हमें एक जरिया ढूंढना था जिससे हम इन टीचर्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर पाए, उन्हें प्रोत्साहन दे पाए. तो इसीलिए ये सारे सर्टिफिकेट्स आप सभी आसानी से ऐप के द्वारा अपने फोन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो कलीग्स हैं स्कूल्स में बाकी टीचर्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप सभी किस प्रकार अपने क्लासरूम्स में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. तो जब हम फेज 1 के एंड तक पहुंचते हैं, तो अभी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमें पता चल गया, हम सेंसिटाइज हो गए, अवेयर हो गए इन सारे डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज के बारे में. तो अभी ये इंफॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं फेज 2 में, स्क्रीनिंग में, जहां हम बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एक बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाईलाइट कर पाएंगे. तो स्क्रीनिंग को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है उसके बारे में भी बात करते हैं. स्क्रीनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग 1. स्क्रीनिंग 1 में हम बेहतर तरीके से उस डोमेन की पहचान कर पाते हैं, उस क्षेत्र की पहचान कर पाते हैं जहां किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, क्या वो बच्चे का एकेडमिक डोमेन है, क्या वो उसका कम्युनिकेशन डोमेन है, बिहेवियरल डोमेन है. सो वो कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रही है, उसकी पहचान हम स्क्रीनिंग 1 के माध्यम से कर पाते हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ. प्रोफाइलर में हम बेहतर तरीके से बच्चों के जो स्ट्रेंथ्स है, इंटरेस्ट है, उसकी पहचान कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट तो होती ही है, और इसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम बच्चों को उस पर मोटिवेट कर पाए. इसी के साथ साथ हम बच्चों का जो नेचर है, उनका स्वभाव है, उसके बारे में भी प्रोफाइलर के द्वारा बेहतर तरीके से बता पाते हैं,
कि क्या बच्चे को अकेले रहना पसंद है या फिर उसे ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल होना पसंद है, तो उसका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें। और एक बार हमें ये सारी चीज़ों का पता चल गया तो हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ। एडवांस स्क्रीनिंग में हम बच्चों के जो स्पेसिफिक कंसर्न है उसकी पहचान कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियसली हमने राइटिंग डोमेन आइडेंटिफाई किया है कि इस बच्चे को राइटिंग में तकलीफ आ रही है, पर राइटिंग में उसे कहाँ तकलीफ आ रही है, क्या वो ठीक तरीके से बोर्ड से कॉपी नहीं कर पा रहा है, क्या वो लिखते समय लेटर्स को इन्वर्स कर दे रहा है, बी को डी लिख रहा है, बी का क्यू लिख रहा है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, या फिर वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है, या फिर स्पेसिंग या अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है, तो फिर एग्जैक्टली वो कंसर्न क्या है उसकी पहचान हम एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से कर पाते हैं। तो इसीलिए एडवांस स्क्रीनिंग इस पूरे जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स एडवांस स्क्रीनिंग को कंप्लीट करें, क्योंकि यहीं पर हम बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और जब तक हम उस स्पेसिफिक कंसर्न उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आगे चलकर आप सभी से उसके रिलेटेड इंटरवेंशन नहीं शेयर कर पाएंगे और बच्चों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एडवांस स्क्रीनिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग के इन तीन हिस्सों को हमने डिवाइड किया है, इस तरीके से स्क्रीनिंग को स्ट्रक्चर किया गया है। स्क्रीनिंग जो है वो क्लास स्पेसिफिक है, तो जो फाउंडेशन लेवल स्क्रीनिंग है वो क्लास 1-2 के बच्चों के लिए है, प्रेपरेटरी में क्लास 3-5 के बच्चे आ गए, मिडिल में 6-8 और सेकेंडरी में 9-12। तो इस तरीके से राइट फ्रॉम फर्स्ट ग्रेड टू 12th ग्रेड सभी बच्चों की स्क्रीनिंग आप ऐप के द्वारा कर सकते हैं। स्क्रीनिंग का जो एग्जांपल है वो आप सभी को अभी आपके स्क्रीन्स पर दिख रहा होगा, ये एक सैंपल है स्क्रीनिंग 1 के प्रश्नों का। तो आप सभी देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको येस और नो में ही देना है। तो हमने कोशिश की है कि हम इस पूरे ऐप को, इस कोर्स को और स्क्रीनिंग को भी इस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि आसानी से टीचर्स इसे कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बच्चे के लिए डिटेल में आंसर टाइप करना, लिखना, एक पैराग्राफ लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली टीचर्स के लिए, क्योंकि उनका स्केड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। तो इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर, पूरे स्क्रीनिंग का उत्तर आपको येस और नो में ही देना है और आप आसानी से बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चों की स्क्रीनिंग हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है जहां हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ इसे कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, उनके साथ काम किया होगा। तो उसके बाद यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस बच्चे को यहाँ शायद कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ उन्हीं बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है, क्लासरूम में मौजूद सारे बच्चों की स्क्रीनिंग हमें नहीं करनी है। ये एक सैम्पल है उस प्रोफाइल का जो रेडी होता है एक बार अपने बच्चों के बेसिक डिटेल्स एंटर करती और उनकी स्क्रीनिंग करती। तो सबसे पहला जो इमेज है वो एक सैम्पल है कि आपको किस तरीके से उस बच्चे की प्रोफाइल ऐप में दिखने लगेगी। तो एक बार अपने बच्चों के बेसिक डिटेल्स एंटर कर लिए, जैसे कि उनका नाम, जन्म की तारीख एक्सेट्रा, तो उनकी एक बेसिक प्रोफाइल रेडी हो जाती है। और जब आप उस प्रोफाइल पर ही क्लिक करेंगे तो तभी आपको उनके जो स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स हैं वो वहीं दिखने लगेंगे। जो दूसरी इमेज है वो एग्जांपल है स्क्रीनिंग 1 के रिपोर्ट की, जहाँ जैसे कि मैंने कहा वो डोमेन, वो क्षेत्र हाईलाइट होकर आता है जहाँ ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इस बच्ची का एकेडमिक डोमेन हाईलाइट हुआ है, कॉग्निटिव डोमेन हाईलाइट हुआ है, उसी के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी टीचर्स के साथ शेयर किए जाते हैं। और फिर उसके बाद जो एडवांस स्क्रीनिंग है, प्रोफाइलर है, उसके भी रिपोर्ट्स प्रोफाइल के द्वारा ही टीचर्स को दिखेंगे। जो एडवांस स्क्रीनिंग है उसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं तीसरे और चौथे इमेज में, जहां वो स्पेसिफिक कंसर्न हाईलाइट होकर आई है कि हाँ इस बच्चे को यहाँ ये पर्टिकुलर चीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। और अभी उसी स्पेसिफिक कंसर्न के रिलेटेड फिर आगे चलकर आपको इंटरवेंशंस भी दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोफाइल आप सभी ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रोफाइल का होने का एक फ़ायदा ये है कि ये बच्चे के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर आसानी से मिल सकेगी।
तो अगर स्कूल में मौजूद किसी और टीचर को इस बच्चे के साथ काम करना हो तो वो आसानी से उस बच्चे के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स है, वो ऐप के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल के साथ इस बच्चे के बारे में कुछ डिस्कस करना हो तो आप उनकी प्रोफाइल ओपन करके ईजिली कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के रिलेटेड एक प्रोफाइल में होना काफ़ी फायदेमंद होता है। एक बार आप सभी ने बच्चों की स्क्रीनिंग कर ली तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरवेंशन की तरफ, जहां अब हम बच्चों के साथ काम करना शुरू कर लेंगे। क्योंकि हमने उनकी कंसर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम एरियाज को हाईलाइट कर लिया, तो अभी फाइनली हम उनके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो इंटरवेंशन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ आप सभी सबसे पहले एक बच्चे को चूज करेंगे कि आपको इस बच्चे के साथ काम करना है, जिस भी जिन भी बच्चों की आपने स्क्रीनिंग्स की होंगी उसके रिगार्डिंग। फिर एक बार आपने वो चूज कर लिया और उस स्पेसिफिक कंसर्न को चूज कर लिया कि इस प्रॉब्लम पर मुझे काम करना है, तो उसके रिलेटेड आप सभी के साथ एक एजुकेशन प्लान शेयर किया जाएगा, जहाँ डिटेल में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि इस कंसर्न के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर की जाएंगी। और इसी के साथ साथ एक स्पेशल एजुकेटर और एक मेंटर आप सभी के साथ मैप किया जाएगा, जो कॉन्स्टेंटली आपके कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ हाईली लाइकली कि एक स्ट्रैटेजी जो एक बच्चे के साथ काम कर रही है वो शायद एक दूसरे बच्चे के साथ ना वर्क करे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कौन सा दूसरा अप्रोच अपना सकते हैं, ये सभी चीज़ें आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो आपके कॉन्स्टेंट टच में रहेंगे। तो एक बच्चे के रिगार्डिंग आपको जो भी डिस्कस करना हो आप आसानी से उनके साथ कर सकते हैं। और इन 3 से 6 महीने के वर्क के बाद ये जो सक्सेस स्टोरीज है इन्हें हम शेयर करते हैं, ताकि बाकी टीचर्स को भी हम मोटिवेट कर सकें, बाकी टीचर्स भी देखें कि आप सभी कैसे अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से इंटरवेंशन के इंटरवेंशन की इस जर्नी को डिज़ाइन किया गया है, जहां कॉन्स्टेंटली आप सभी के साथ एक जो स्पेशल एजुकेटर है या फिर एक मेंटर या स्पेशलिस्ट है वो टच में रहेगा, ताकि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, कोई भी डाउट या सवाल को वो क्लियर कर सके। ये एक सैम्पल है कि किस तरीके से आपको इंटरवेंशन ऐप में दिखेगा। तो सबसे पहले जब आप चूज़ करेंगे कि हाँ मुझे इस बच्चे के साथ काम करना है और इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कौन कौन सी जो प्रॉब्लम एरियाज है हमने आइडेंटिफाई की है, कौन कौन सी स्पेसिफिक कंसर्न्स हमने आइडेंटिफाई की है। और जब आप किसी भी एक कंसर्न पर क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड जो इंटरवेंशन प्लान है वो भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। जो इंटरवेंशन प्लान है वो कुछ इस तरीके से आप सभी को ऐप पर दिखेगा, जहां गोल शेयर किया जाएगा कि हम किस तरफ काम कर रहे हैं, कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, अकोमोडेशंस शेयर किए जाएंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम क्लासरूम्स में ला सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल में ला सकते हैं, ताकि हम बच्चों को बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर पाए, इंक्लूड कर पाए, और इस गोल तक हम कैसे पहुँच पाए, ये सारी ये जो स्टेप्स है ये भी विस्तार में आप सभी को समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम इस स्ट्रैटेजी को कैसे क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इंटरवेंशन प्लान ऐप के द्वारा आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, जिसे आप आसानी से पढ़ पाए, उसे गो थ्रू कर पाए और फिर बच्चों के साथ काम भी कर पाए। और हमने इंटरवेंशन कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किए हैं ताकि टीचर्स एक क्लासरूम में ही बच्चों के साथ इसे यूज कर पाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टीचर्स का स्केड्यूल काफ़ी बिजी होता है, तो हर एक बच्चे के साथ वन ऑन वन सेशंस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए ये जो इंटरवेंशंस है, ये स्ट्रैटेजीज है, ये इसी तरीके से किए गए हैं ताकि टीचर्स इन क्लासरूम में ही इन बच्चों के साथ इसे यूज कर पाए, इसे इम्प्लीमेंट कर। जो एडिशनल कोर्सेज है जिनके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, तो ये आप सभी को Phase 3 में उपलब्ध करे जाएंगे, जहां आप Phase 3 में इन्हें एक्सेस कर सकेंगे। तो रीडिंग, राइटिंग, मैथ, ये सारे कोर्सेज हैं जहां कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम्स में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही रीडिंग, राइटिंग, मैथ में प्रॉब्लम आए, जो बाकी बच्चे हैं उन्हें भी तकलीफ कहीं ना कहीं तो आ ही सकती है। तो ये जनरल स्ट्रैटेजीज है जो आप सभी इन कोर्सेज के द्वारा शेयर की जाएंगी, तो आप सभी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं।
जो हमारा फेस थ्री है उसमें जो ये एडिशनल कोर्सेज हैं उनमें भी वीडियोस उपलब्ध हैं, तो मैं आप सभी के साथ उस वीडियो का भी एक सैम्पल शेयर करना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को देखें और इसके बाद मैं दोबारा से आप सबके साथ जुड़ती हूँ। चैप्टर 1 ब्रेन एंड लर्निंग। थ्रू द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूजन इन फेज 1 यू हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in writing and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers, parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like the visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. जी टीचर्स, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ऐसे शॉर्ट वीडियोस फेज थ्री के द्वारा भी आप सभी से शेयर किए जाएंगे, जहां कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज, जनरल स्ट्रैटेजीज आप सभी से शेयर की जाएंगी, जिन्हें आप क्लासरूम्स में आसानी से यूज कर पाए। तो एक बार हम एक शॉर्ट ग्लांस जो पूरी जर्नी आपकी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ, उस पर भी डालते हैं, जिसकी शुरुआत कोर्स के द्वारा होगी, जहां हम सेंसिटाइज होंगे, अवेयर होंगे इन डिसेबिलिटीज के बारे में, और यही इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे स्क्रीनिंग में, जहां सबसे पहले हम क्षेत्र की पहचान करेंगे कि कौन से क्षेत्र में, कौन से डोमेन में उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोफाइलर की तरफ, जहां हम बच्चे के बारे में, उसके टैलेंट, स्ट्रेंथ्स, नेचर के बारे में बता पाएंगे डिटेल में, और उसके बाद एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ, जहां हम फाइनली जो स्पेसिफिक कंसर्न है उसके बारे में और जान पाएंगे। और जब एक बार हमने स्पेसिफिक कंसर्न को पहचान लिया, तो हम आगे चलकर उस पर इंटरवेंशंस और स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे, जिन्हें आप सभी क्लासरूम्स में आसानी से बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर जब आप बच्चों के साथ कॉन्स्टेंटली काम करेंगे, तो यही सफलता की कहानियां हम आगे चलकर प्रकाशित भी करते हैं, ताकि बाकी टीचर्स को भी पता चले कि आप सभी कैसे अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे जर्नी के में
हम आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे, चाहे वो फेज वन हो या फिर वो फेज थ्री हो, जहां आप सभी के साथ एक स्पेशल एजुकेटर या एक मेंटर पेयर किया जाएगा। और इसीलिए मैं आप सभी के साथ बहुत ही प्राउडली अभी शेयर करना चाहूँगी कि अब तक हमने 3 लाख से ज़्यादा टीचर्स को ओरिएंट किया है इस प्रोग्राम के बारे में। मोर देन 1,36,000 टीचर्स ने हमारे ऐप पर रजिस्टर किया है और 44,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस कोर्स का और इस पूरे जो स्क्रीनिंग का टूल है उसका फर्क महसूस कर रहे हैं क्लासरूम्स में। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अभी बेहतर तरीके से बच्चों को मदद कर पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम और भी बेनिफिट्स के बारे में एक बार छोटे में विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स के साथ भी टच में रहें, उन्हें मदद करें। तो इसीलिए जो कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग है जो हम कोशिश करते हैं कि हम टीचर्स को प्रोवाइड कर पाए, ताकि टीचर्स अपस्किल रहे, टीचर्स को पता रहे, वो जागृत रहे इन डिसऑर्डर्स के बारे में, उनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। ज्योग्राफिक इंक्लूसिविटी, जहां हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स को अपने रीजनल लैंग्वेजेस में हम ये मटेरियल पहुंचा पाए, कॉन्टेंट, ये इंफॉर्मेशन पहुँचा पाए। एजुकेशन ऑफिसर्स को ओरिएंट करना, क्योंकि उन्हें ओरिएंट करना, सेंसिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ती है कुछ रिफॉर्म्स लाने में, इन बच्चों को बेहतर तरीके से सपोर्ट करने में। टीचर ट्रेनिंग, जैसे कि हमने कहा रीडिंग राइटिंग के बारे में हम ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, और आगे चलकर फेज थ्री में भी ऑलमोस्ट रोज़ाना हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेशंस होते हैं रीडिंग पर, राइटिंग पर, मैथ पर, अकोमोडेशंस पर, जहाँ कहीं टीचर्स ज्वाइन होते हैं, हम कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, एक डिस्कशन होता है जिसके द्वारा टीचर्स तक नई नई स्ट्रैटेजीज हम पहुँचा पाते हैं। स्पेशल एजुकेटर ट्रेनिंग, क्योंकि एक क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग स्पेशल एजुकेटर्स का होना ज़रूरी होता है जब वो एक स्कूल सेटअप में काम करें, ताकि उन्हें बाकी डिसेबिलिटीज़ और डिसऑर्डर्स के को कैसे डील करना है, कैसे इन बच्चों की मदद करनी है, ये इंफॉर्मेशन भी पता रहे। इसके साथ साथ पेरेंटल पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स को ओरिएंट करना, सेंसिटाइज करना कि किस तरीके से वो बच्चों के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मदद कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस, हम कोशिश करते हैं फेज थ्री में कि हर बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम कंसर्न्स अलग होंगे, तो हर उस बच्चे की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उस पर हम उसे इंटरवेंशंस या स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर पाए। और हम कोशिश करते हैं कि हम एक एंड टू एंड सिस्टमैटिक चेंज की ओर काम कर सके। इसीलिए ये जो हमारा ऐप है, हम कोशिश करते हैं राइट फ्रॉम सेंसिटाइजिंग द टीचर्स, उन्हें जागरूक करना, टू मूविंग फॉरवर्ड टू आइडेंटिफाइंग द डिसेबिलिटीज, पहचान करना इन सारे प्रॉब्लम्स की, एंड फाइनली वर्किंग विद द चिल्ड्रन। तो ये एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जहाँ हम राइट फ्रॉम सेंसिटाइजिंग द टीचर्स टू बच्चों के साथ काम करना, इन सारी चीज़ों को करने में टीचर्स की मदद करते हैं। एंड लास्टली सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करना, क्योंकि हम सभी का एम यही है कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर आगे बढ़े, जहाँ हर बच्चा इंक्लूड हो पाए और उनकी ग्रोथ की तरफ हम आगे काम कर पाए। और इसीलिए ज़रूरत है कोऑर्डिनेटर्स की, आप सभी कोऑर्डिनेटर्स की, जो हर एक स्कूल में से एक टीचर अपॉइंट किया गया है कोऑर्डिनेटर के लिए। तो अब कोऑर्डिनेटर्स का इन जर्नी में क्या रोल रहेगा, उस पर भी हम ब्रीफली बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इंश्योरिंग द टीचर्स प्रोग्राम के लिए एनरोल हो रहे हैं, क्योंकि जब तक टीचर्स ओरिएंट नहीं होंगे इस प्रोग्राम के बारे में, ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे और ऐप पर रजिस्टर नहीं होंगे, तब तक वो इस पूरे कोर्स को, स्क्रीनिंग को, इंटरवेंशंस को एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर्स ऐप को डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर हुए, ताकि ये सारी चीज़ें हम टीचर्स तक पहुँचा पाए, और इसमें कोऑर्डिनेटर्स का एक काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना इस प्रोग्राम को, जहाँ टीचर्स इस कोर्स को लगभग 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर पाए, ताकि वो आगे चलकर स्क्रीनिंग की ओर और फिर इंटरवेंशंस की ओर बढ़ पाए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जब टीचर्स फेज वन कंप्लीट करेंगे तो वो फेज टू पे बढ़ पाएंगे और उसके बाद फेज थ्री पर। तो यहाँ टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उन्हें इनकरेज करना, इंश्योर करना कि वो वन बाय वन इन फेजेस को कंप्लीट कर रहे हैं, इन स्टेप्स में वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी देखा, हर एक स्टेप को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेप की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है।
तो जैसे जैसे टीचर्स इसे कंप्लीट करते जाएंगे वो आगे बढ़ पाएंगे और फाइनली बच्चों के साथ काम भी कर पाएंगे. तो यहाँ टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, इंश्योर करना दैट टीचर्स इसे कर रहे हैं. फिर बात आती है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की. तो टीचर्स को अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करना, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक है उसे शेयर करना, उसी के साथ साथ देखना कि हर एक टीचर कम से कम दो बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं. एटलीस्ट दो बच्चों को अगर वो स्क्रीन कर पाएंगे तो फिर उनके साथ काम करना भी वो शुरू कर पाएंगे. हमारे जो वीकली डाउट सेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने कहा फेस थ्री में हमारे सेशंस होते हैं, ये सारे लिंक्स टीचर्स तक भी शेयर किए जाएंगे और आपसे भी शेयर किए जाएंगे ताकि आप सभी टीचर्स तक उन्हें पहुंचा पाए और टीचर्स फिर आसानी से इन सेशंस पर जुड़ पाए. ये जो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं या फिर वीकली सेशंस होते हैं, ये काफ़ी इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होता है जहाँ ऑल ओवर इंडिया टीचर्स ज्वाइन होते हैं, अपने डाउट्स, कंसर्न्स, क्वेरीज शेयर करते हैं और इन प्लेटफॉर्म इस सेशन से भी काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है. तो इसीलिए टीचर्स अगर इन सेशंस पर ज्वाइन हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसर्न्स और क्वेरीज शेयर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स उनके कांस्टेंट टच में रह सकते हैं. और लास्टली कम्युनिकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करना. आप सभी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम के बीच और अपने स्कूल्स के टीचर्स के बीच. तो इसीलिए अगर टीचर्स को कोई कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना हो, कोई फीडबैक शेयर करना हो, कोई डेटा या डिटेल्स शेयर करना हो तो वो आसानी से आपके थ्रू कर सकते हैं. अगर किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो पीआईटी टीम की तरफ से तो आप आसानी से हमें कन्वे कर सकते हैं और हम टीचर्स तक वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसीलिए कोऑर्डिनेटर्स का जो रोल रहेगा इस जर्नी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सभी जो हर एक स्कूल से जो एक कोऑर्डिनेटर असाइन किया गया है वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा हमारी टीम और स्कूल के बीच में, ताकि हम टीचर्स तक मैक्सिमम सपोर्ट पहुंचा सकें, टीचर्स की हर क्वेरी हर कंसर्न को एड्रेस कर पाए. तो आप सभी अपने स्क्रीन पर अभी एक क्यूआर कोड को देख सकते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप इस क्यूआर कोड को प्लीज़ स्कैन कीजिए और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए. सिर्फ जो कोऑर्डिनेटर्स है वही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ जो कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है वो आप सभी से शेयर की जाएंगी जो आप सभी आगे टीचर्स तक पहुँचा सकेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप प्लीज़ इस कोड को स्कैन कीजिए और हमारा जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए. इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया गया है, तो आप उस लिंक के द्वारा भी आसानी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने कहा, केवल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही इस ग्रुप के द्वारा आप सभी से शेयर की जाएंगी, या फिर अगर आपको किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप भी उस ग्रुप में ये क्वेरी रेज कर सकते हैं. तो ये क्यूआर कोड है कोऑर्डिनेटर्स के लिए सिर्फ जबलपुर रीजन के, और इसका लिंक, इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया गया है. ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर और हमारा ईमेल आईडी. तो अगर टीचर को कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो हमसे हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं. ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आप सभी से चैट बॉक्स के द्वारा भी शेयर किए जाएंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप इसे सेव ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम टीचर्स तक टीचर्स हम तक आसानी से पहुंच पाए और आप अगर टीचर्स को भी ये नंबर फॉरवर्ड कर दें तो वो आसानी से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी डाउट या क्वेरी क्लियर कर सकते हैं. तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जो चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया जाएगा. एंड फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप है उसका क्यूआर कोड आप सभी के स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं. तो आप जब इसे स्कैन करेंगे तो आप आसानी से जो हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर पाएंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि आप प्लीज़ हमारा जो ऐप है इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि ये जो कोर्स है, स्क्रीनिंग है, आप सभी आसानी से कर पाए और हम बच्चों की मदद की तरफ आगे बढ़ पाए. और जो ऐप है उसका लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया गया है, और iOS यूजर्स के लिए एक वेब लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर किया गया है. तो आप सभी अपने डेस्कटॉप्स या फिर
कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी जगह क्या ऐसा कोई पीपीटी वगैरह आप अवेलेबल करवा सकते हैं हमको कि हम शेयर कर दें स्कूल्स में? जी मैम, हमारा एक जो पीडीएफ है जो हम शेयर करते हैं जहां हम इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, तो मैं ज़रूर मेरी टीम से कहूंगी कि वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ उसे शेयर कर दे ताकि सभी टीचर्स के साथ उसे शेयर कर पाए। तो कोऑर्डिनेटर्स अपने स्कूल के टीचर के साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे। राजवी? यस मैम। आई वुड लाइक टू टेक दिस। यस मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। मैम, आज की जो ये सेशन हुआ है हमारा, दिस सेशन विल बी शेयर्ड, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग इसका शेयर कर दिया जाएगा सो दैट द कोऑर्डिनेटर्स कैन इजीली शो द टीचर्स और आराम से वो उनको करवा सकते हैं कोर्स। कोऑर्डिनेटर को इसीलिए ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो टीचर्स से ये कोर्स इजीली करवा सके। इफ दे हैव एनी डाउट, सो एवरी डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 4:00 वी हैव द डाउट क्लियरिंग सेशंस। कोई भी टीचर हमारे साथ क्लियरिंग सेशन में ज्वाइन कर सकते। All right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, I have a question. Yes, ma'am. Just a minute. I could open that screening part. Oh, okay. Fabulous. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. I can open. Thank you. Yes, Deepshika, ma'am. Ma'am, doubt clearing session ka koi link diya jayega? Haan ji, ma'am, abhi share karwa rahe. Share the doubt clearing. लिंक चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। आप सब प्लीज इस लिंक को सेव कर लीजिए। ये जो लिंक है वो हमेशा सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। आप कहीं पर इस लिंक को सेव कर सकते हैं। किसी भी टीचर को कोई भी डाउट हो तो आप उनको भी ये लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी टीचर्स तक। आप एज अ कोऑर्डिनेटर आप ये लिंक सभी टीचर्स को शेयर कर सकते हैं। जिन भी टीचर्स को कोई डाउट हो वो इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं सेशन को, मंडे टू फ्राइडे 4:00 PM। जी, अगर किसी टीचर का कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स के द्वारा या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। यस राजवी मैम, थैंक यू सो मच। पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से आपने शुरुआत की है जरूरी है। एज अ टीचर हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम बच्चों के साथ हम फेस करते रहते हैं और इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर पाए वो सारा की सारा आपने हमें मौका दिया है। और सबसे बड़ी बात जो आप दे रहे हैं डेली, आप जो डाउट सेशन रख रहे हैं हम लोगों के लिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन अपनी पूरे विद्यालय की तरफ से। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब बच्चों के साथ में लर्निंग कोई डिसेबिलिटी हो या इस तरीके के बच्चों को जिन्हें कोई ना कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है उनसे कोप अप करने की, उनको सॉल्व करने की, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। थैंक यू वंस अगेन इस एफर्ट के लिए आपकी पूरी टीम को। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं एक लास्ट टाइम बस पूछना चाहूंगी, अगर किसी के कोई सवाल या प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते। मैम, हमें ये जो कोर्स आगे करना है उसका हम ऐप के थ्रू ही करेंगे, प्रोजेक्ट इंक्लूजन? जी मैम, आप कोर्स ऐप के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, कोर्स स्क्रीनिंग फिर इंटरवेंशन, सभी चीज़ें आपको ऐप के द्वारा ही होना जाएगी। अच्छा, ओके मैम। जी मैम। So respected teachers,
हमारे एक्सपर्ट राजवी मैम ने जो आपसे डिस्कस किया है, आशा करती हूँ आप सबको एक क्लैरिटी हुई होगी। फिर भी कोई डाउट आफ्टर द सेशन हो, आपके साथ व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर शेयर किया गया है, सपोर्ट मेल आईडी शेयर है और डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक भी शेयर है, आप उसमें भी जुड़कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी किरण मैम से, अगर मैम आप हमारे बीच मौजूद हैं, प्लीज आप आज के सेशन को कंक्लूड करें अपने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। ओवर टू यू मैम। ओके, किसी रीजन से मैम मैं देख पा रही हूँ मैम हमारे बीच अभी सेशन में नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर के ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि फर्दर जो प्रोसेस है और लिंक्स एंड पीडीएफ वगैरह आपको उसी ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज का सेशन यहीं तक है, आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राजू मैम, थैंक यू।